उसके फ्रेंड खाने का ऑर्डर हो रहा है, हम थोड़ा बाहर भी हैं। तो अभी हम बैठे हैं उनकी बस में। सुबह हम निकले थे घर से 10:30-11 बजे के करीब और हमें जाना है पटनी टॉप। हमेशा जब उससे पटनी टॉप के लिए बुकिंग पे ही जाती है गाड़ी, बट हम आज बस से ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी बैठे उदयपुर। किसी ने बताया हमें कि उदयपुर से चेन्नई या फिर उदयपुर से हमें बस मिलेगी पटनी टॉप की, तो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी हम जब बस स्टैंड में हैं तो देखते हैं आगे आगे कहाँ जाते हैं, फिर आगे पता लगेगा कहाँ कहाँ से क्या क्या रुका है। तो उधमपुर बस स्टैंड पहुंचने के बाद हमने खाए यहाँ पे न्यूट्री कुलचा। पंजाब और जम्मू के कुलचों में काफ़ी फ़र्क है, पंजाब के अलग होते हैं और जम्मू साइड के अलग होते हैं। उसके बाद हमने वहाँ से उधमपुर बस स्टैंड से ली चनैनी की मेटाडोर। वहाँ से मेटाडोर पहुँच लेने के बाद हम पहुँचे चनैनी। चनैनी से पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे बस मिल गई थी पटनी टॉप की, तो यहाँ पे काफ़ी रश था पटनी टॉप की बस में। और यहाँ की एक स्पेशल चीज़ थी कि यहाँ पे जो पटनी टॉप जाने वाले उनके लिए सीट फिक्स मतलब रिज़र्व होती थी और कोई नहीं बैठ सकता, जैसे बीच में कहीं उतरना हो वो नहीं बैठ सकता, जो पटनी टॉप जाने वाले हैं सिर्फ वही बैठ सकते थे। तो हमें सीट भी मिल गई थी इतना रश होते हुए भी। और उसके बाद हम वहाँ से पटनी टॉप के लिए निकल गए। बस में बैठे बैठे हम जो हमारे पास अंकल वगैरह बैठे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि ट्रेन तो होटल कहाँ है, क्योंकि हमें वहीं पे जाना था। तो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, बट पूछते पूछते जो कंडक्टर भैया थे वो वहीं रहते थे, फिर वो हमें साथ लेकर गए। वहाँ से आते आते हमें इतनी रात हो गई थी। और उसके बाद टॉप में और रात हो गई है 6-7 नहीं शायद 8 बज रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं, रूम ले लिया हमने और अभी वो हाफ करवा देना, बाद में खाने का ऑर्डर हो रहा है, हम थोड़ा बाहर घूम रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग भी सही नहीं है। अभी हम आगे हैं रूम में और हमें पटनी टॉप पहुँचने में काफी मतलब पूरा देर लग गया, क्योंकि हम बस निकले थे 12 बजे के करीब और वहाँ से फिर हमने बस ली थी जम्मू बस स्टैंड से, वहाँ से हमने ली थी उधमपुर की, क्योंकि कटरा के वहाँ के लिए पटनी टॉप के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी। और उसके बाद उधमपुर से हम उधमपुर में उतरने के बाद हम कहाँ गए थे, उन्होंने कहा था कि पटनी टॉप की जो बस है वो सुबह 10 बजे जाती है और शाम को 5 बजे जाती है, 2 ही बसें जाती हैं। तो चेन्नई की मेट्रो जाती है वहाँ पे, तो हमें बोला कि चेन्नई से मुझे पूछा, तो चेन्नई से पटनी टॉप की बसेस आती जाती रहती है। तो फिर हम पहले चेन्नई गए, फिर उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया, तो उसकी वजह से फिर हम लेट हो गए। तो क्योंकि वो पहाड़ पे बिल्कुल मतलब छोटी थी, जैसे गली टाइप होती है वैसे रोड थी। उसके बाद वहाँ से हमने बस ली, बस काफ़ी देर बाद चली, फिर हम अभी 7 बजे के करीब पटनी टॉप पहुँचे। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है और कल ही बर्फ पड़ी है यहाँ पे, पता लगा पूछा था हमने जो आस पास की हैं उनसे, यहाँ के रहने वाले हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कल ही यहाँ पे बर्फ पड़ी है इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, आज से ही आ रहे हैं। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम रूम में हैं, रेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो घूम भी रहे हैं अभी, और यहाँ से गाड़ी आ रही है जा रही है, क्योंकि हम बिल्कुल रोड के साइड पे ही हमारा रूम, वहाँ पे ही हमने रूम लिया। तो कई लोग यहाँ गाने वाने भी चला रहे हैं, डांस वांस भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल रिधि राजपूत। तो अभी लास्ट टाइम मेरी कुछ वीडियोस मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं, बट मेरी अभी ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम ट्रेन में आ रहे थे ऋषिकेश से, तो वहाँ पर हमारा फ़ोन चोरी हो गया था इसलिए ब्लॉग्स नहीं आ पाए। तो बाय, अभी कंटिन्यू आएंगे ब्लॉग्स, तो हमारी वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। बाय।